पड़ोसी अगर अच्छे मिल जाएं तो जिंदगी आसान लगने लगती है ना? लेकिन क्या ये बात हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान पर फिट बैठती है? कमेंट में बताना जरूर। इंडिया और पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर करते हैं, जो कि वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट बॉर्डर शेयरिंग है इंडिया का, बाकी अगर कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो। बात करें बॉर्डरिंग स्टेट्स की, तो इसमें आते हैं JNK, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। वहीं नेचुरल बाउंड्री की अगर बात करें तो सतलुज और रावी नदी नेचुरल बाउंड्री की तरह दोनों कंट्रीज़ के बीच एक्ट करते हैं। इसी बीच अगर कोई इंडो पाकिस्तान बॉर्डर का एक्चुअल नेम हमसे पूछ ले तो वी आर कन्फ्यूज्ड बिटवीन LOC एंड रेडक्लिफ लाइन। LOC जो है वो एक मिलिट्री कंट्रोल लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये कोई लीगली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, ये एक डी फैक्टो बॉर्डर है जिसको 3 जुलाई 1972 के अंदर रीडेसिग्नेट किया गया था एज LOC। वहीं रेडक्लिफ लाइन की अगर बात करें तो रेडक्लिफ लाइन एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल बाउंड्री है जो पार्टीशन के बाद 17 अगस्त 1947 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री डिमार्केशन हुई थी, और ये रेडक्लिफ कमीशन के द्वारा की गई थी, तो इसी के ऊपर इसका नाम जो है वो रेडक्लिफ लाइन पड़ा। और वहीं आज पाकिस्तान के वेस्टर्न पार्ट को हम इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के नाम से जानते हैं और ईस्टर्न पार्ट को जाना जाता है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के नाम से। तो ऐसे ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।